जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चे और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं जिसके कारण देश में कुपोषण की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुपोषण से पीड़ित बच्चों को सहायता करने हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त अभियान इन दिनों पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। पनवेल में पनवेल पंचायत समिति द्वारा अभियान की शुरुआत हाल ही में की गई थी जिसमें कुपोषण से पीड़ित बच्चों की सेहत पर ध्यान दिया गया और कुपोषण कम करने का प्रयास किया गया। मंगलवार को अभियान के नाशिक विभाग कमेटी ने पनवेल तालुका में आने वाले पेंधर, टेम्बुड़े, दुंद्रे आदि गांवों में जाकर जायजा लिया। इस वक्त नाशिक विभाग सदस्य सचिन चंद्रकांत गुड़ेकर, उपसंचालक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर घारूरकर, अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त श्री गोसावी, पनवेल पंचायत समिति के सभापति हरीश केणी, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, सरपंच सुजाता नेरुलकर, उपसरपंच लीलाबाई पाटिल आदि गणमान्य सहित ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त चंद्रकांत गुड़ेकर ने पेंधर, टेम्बुड़े तथा दुंद्रे आदि गांव कुपोषण मुक्त होने की घोषणा की। प्रत्येक गावात जेव्हा जेव्हा मी तपासणी करायला होतो की हा व्यक्ती नुसतात मी त्या संत गाडगे गावामध्ये आणि हागंद्र मुक्तीमध्ये हे गावामध्ये मी विचारतो की हे जर व्यक्ती नसती तर तुमचं काय नसतं का कोण व्यक्ती आहे ती पहिल्यांदा विचारतो त्या व्यक्तीकडे त्यांनी काय काय कसं केलं बरं नंतर मिळतं त्याचं या विषयामध्ये काय मी आता 32 वर्ष नोकर आले कुठला 90% जेडी मेंबर जवळपास 100% सरपंच आणि 25 मिनिमर कोणी त्याच्यामधलं ख्याल होत नाही पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये जाऊ तुमच्या गावात चुकून चांगलं दिसतं म्हणून आम्हाला बरं वाटत